हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 34 की, जो कि 17 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 7th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट, और आज हम पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि जैसे हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेम कंडीशन यहाँ पे होती है। ऑटोट्रॉपिक यानी प्लांट्स में भी बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, यानी कि जिस तरीके से ऑर्गेनिजम्स, जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, अपना भोजन नहीं बना पाते बल्कि प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं या दूसरों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, वैसे ही प्लांट्स में भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे चीज़ों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हीं को हम पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आपका चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और उसमें भी अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, जैसे कि हमें पढ़ना भी है। सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल डिपेंड्स ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट यूज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता और वो डिपेंड करते हैं फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे, वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाते हैं बच्चों। अब ए प्लांट एंड एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल डिपेंड करते हैं अदर्स पे न्यूट्रिशन के लिए, वो हेटरोट्रॉपिक कहलाते हैं बच्चों, हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्लांट्स विच ट्रैप्स एंड फेड ऑन इंसेक्ट इज, तो ऐसा प्लांट है बच्चों, पिचर प्लांट, ये इंसेक्टिवरस प्लांट है। ये क्या करता है, प्लांट जो जो है इंसेक्ट को ट्रैप करता है, उस पर फीड होता है, यानी उसी को अपना खाना बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासाइट, तो कसकटा या अमरबेल जिसे बोलते हैं, वो एक पैरासाइटिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, वीनस फ्लाई ट्रैप, तो वीनस फ्लाई ट्रैप हेटरोट्रॉपिक एंड इंसेक्टिवस प्लांट है, क्योंकि ये क्या करता है, ये इंसेक्ट्स को खाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इनलेंग्थ इन द हेयर इन, ये इंसेक्टिवस प्लांट है बच्चों। तो होता क्या है, इंसेक्ट इस तरह की एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लांट से अटैच होती है बच्चों। तो जब इंसेक्ट आता है वहां पे ट्रैप हो जाता है, तो यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है कुछ कुछ, इसके अंदर वो फंस जाता है, फिर निकल नहीं पाता, और ये ढक्कन है वो बंद हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि इंसेक्टिवल प्लांट अपना न्यूट्रिशन लेता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 5, फिल इन द ब्लैंक्स, तो सबसे पहला क्या है बच्चों, इंसेक्टिवस प्लांट ग्रो इन ए सोयल विच इज डेफिशिएंट इन, तो इट वॉज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करता है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, द प्लांट ऑन विच ए पैरासाइटिक प्लांट क्लाइम्स इज कॉल्ड, पैरासाइटिक प्लांट जहाँ पे क्लाइम करता है वो कहलाता है, उस प्लांट को कहते हैं होस्ट। फिर है सी, इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर, इंसेक्टिवरस प्लांट्स कैसे होते हैं बच्चों, हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं वो। फिर है डी, स्पेशल स्ट्रक्चर इन कसकटा फॉर एब्जॉर्बिंग फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, स्पेशल स्ट्रक्चर जो उसमें होता है वो है होस्टेरिया, जो कि एक वायर ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, वायर लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है बच्चों। चलिए ई क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन कसकटा इज, तो इसमें बच्चों पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम ए पैरासाइटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, तो ऐसा प्लांट कौन है, कसकेटा, जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं बच्चों। फिर है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, पैरासाइटिक का है कसकेटा या अमरबेल, और इंसेक्टिवर्स का है बच्चों पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। फिर है, व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है बच्चों, ए प्लांट एंड एनिमल आर डिपेंड ऑन अदर्स
फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।